रेक्नोस में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों आज की टेक्नो शुरू करेंगे, उससे पहले पता नहीं दिल कर रहा है कि आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि कल की टेक्नोस भी हमारी जो वो ट्रेंडिंग पर चली गई थी, मतलब यकीन नहीं होता कि आप इतना प्यार देते। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, गर्मा गर्म टेक्नोस तो आज भी कमाल के लेके आ गया हमेशा की तरह। और साथ में आज मैंने सुबह में मोटरोला 1 मैक्रो और रेडमी 8 की अनबॉक्सिंग किया हूं, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। बजट फोन से आप दोनों में से आपको कौन सा फोन पसंद आता है ये तो आप जज है, वो आप खुद वीडियो जाके डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अभी बहुत सरप्राइजेस आने वाले होते, मैं आपको आने वाले टाइम पर ही बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, 30,000 लाइक्स है दोस्तों, ज्यादा नहीं मांगता हूं। और फटाफट से आज की टेक्नोस शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों टेक्नोस शुरू करो, उससे पहले आप लोगों को एक अच्छी चीज के बारे में बता देता हूं। मैं कुछ नया यहां पर अपने टेक न्यूज़ में आज से जो वो शुरू कर रहा हूं, जहां पर वीडियो के एंड में एकदम एंड जब पूरा खत्म हो जाएगा, ऑलवेज कीप स्माइलिंग बोलकर हम एंड करते हैं, तब मैं आपको 10 से 20 सेकंड का कुछ ब्लूपर्स दूंगा जो हमारी उस पर्टिकुलर डे की टेक न्यूज़ में हुआ है। तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हम टेक न्यूज़ कैसे शूट करते हैं, थोड़ा बहुत झलक आपको मिलेगा। तो आपको मैं हर टेक न्यूज़ में वो देने की कोशिश करूंगा, तो कैसा आइडिया आप मुझे वो कमेंट करके बता देना। और इस वीडियो की पहला आज का जो ब्लूपर्स है वो एंड में जाके आप देख सकते हैं। वैसे पूरा अगर डिटेल में देखना है तो मैं अपने नए चैनल पर काम कर रहा हूं, जो मैं आपको 3-4 दिन के टेक न्यूज़ के एक साथ ब्लूपर्स डिटेल में दूंगा। तो मेरे नए चैनल की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप वहां पर जाके बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, तो वहां पर भी मैं काम करूंगा। और पहला जो होगा आज की टेक न्यूज़ का डिटेल ब्लूपर वो कल आपको मिलेगा वीडियो, तो मेरे नए चैनल पर सब्सक्राइब करके बने रहना। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर जियो से। और दोस्तों हमें पता है कि जियो ने हमें जो वैल्यू दिखाई है डेटा की, 4G की, वो हमें पहले नहीं पता थी। जब से आया जियो ने मार्केट में घमासान कर दिया है, और एयरटेल और वोडाफोन इतना खून पीते थे कि यहां पर क्या बताओ, वाकई मैं वहां पर भी कर रहा हूं बिहाइंड द सीन इसलिए। एनीवेज अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर फेक एसएमएस यहां पर जो वो दौड़ रहा है दोस्तों, जहां पर लोगों को बोला जा रहा है कि आपको दिन के 25GB मिलेंगे फ्री में 6 महीने तक, और कांग्रेचुलेशंस भी कर रहे हैं, और वहां पर लोगों को एक लिंक दे रहे हैं जिससे वो एक ऐप को डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपने उस ऐप को गलती से डाउनलोड किया दोस्तों, तो पता नहीं न जाने वो उसमें क्या होगा और आपके कितने सेंसिटिव डेटा से यहां पर जो स्टील हो जाएंगे। जब जियो तक बात पहुंची, जियो ने कहा हम ऐसा कोई भी एसएमएस लोगों को नहीं भेजते, हमारे जो भी डेटा पैक होते हैं वो माई जियो के ऑफिशियल ऐप में ही होता है, तो वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर कहीं से भी आपको फेक एसएमएस आ रहा है, चाहे वो वोडाफोन हो, एयरटेल हो, जियो, कि इतना डेटा दे रहे हैं, उतना डेटा दे रहे हैं, ये डाउनलोड कर लो, लिंक अगर प्रोवाइड करते हैं तो उस पर कभी मत जाना, ये मैं आपको ताकीद करता हूं हमेशा की तरह। तो इस चीज का बराबर से ध्यान रखना। तो यहां पर दोस्तों फ्लिपकार्ट और Amazon की तरफ से खबर आ रही है। और दोस्तों Flipkart बिग बिलियन डे सेल, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल, हमें बताया 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चला था, और 6 दिन में इतना धमाल हुआ था। और सेपरेटली तो हमें पता ही था कि Flipkart और Amazon कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन कंबाइंड अगर मैं आपको बता दूं तो अब रिपोर्ट निकल कर आई और बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर यहां पर 6 दिनों में 19,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। अरे बहुत ज्यादा पैसा है ये, $3 बिलियन अगर मैं आपको बता दूं तो। वैसे यहां पर बताया जा रहा है कि और भी सेल आएगी अक्टूबर में, जैसे कि अभी आने वाले इनके मिला के एस्टिमेटेड इस महीने के एंड तक हो जाएगा $5 बिलियन का, दोनों का मिला के बताया जा रहा है, मतलब और भी, मतलब 39,000 करोड़ रुपए मिला के होने वाले, कितना ज्यादा पैसा है आप सोच लो दोस्तों। उसके अलावा फ्लिपकार्ट का पूरा जो शेयर है इसमें से वो कुछ 63% के आसपास है, बाकी का रिमेनिंग जो है वो अमेजोन का। तो फ्लिपकार्ट पर कितना ज्यादा शॉपिंग होता है, कितना लोग फ्लिपकार्ट को प्रेफर करते हैं, उसका भी एग्जांपल यहां पर आपकी आंखों के सामने। 19,000 करोड़ दोस्तों कमाए सिर्फ 6 दिन में ये दोनों ने, कितना हो गया आप खुद यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों मोटरोला की तरफ से खबर आ रही है, और काफी टाइम से मोटरोला का एक नया पॉपअप कैमरा वाला स्मार्टफोन जो वो चर्चे में है, और हमें इसकी लाइव पिक्चर्स वगैरह बहुत कुछ यहां पर जो वो देखने को मिल रही है। और अभी दोस्तों यहां पर प्रो एंड्रॉइड द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि मोटरोला का ये जो अपकमिंग पॉपअप सेल्फी वाला जो स्मार्टफोन होगा, इसमें आपको पीछे जो डुअल कैमरा होगा, इसमें जो प्राइमरी कैमरा होगा, उसमें आपको 64 मेगापिक्सल जो वो देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल की रेस में मोटरोला ने भी एंटर कर लिया है, जो बहुत बड़ी बात है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, और उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होगी। वैसे स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर है, और 4GB की रैम, 128GB आपको स्टोरेज मिलेगी, लेकिन 64 मेगापिक्सल मतलब अच्छी बात है। और प्राइस भी बताया जा रहा है कि बहुत एग्रेसिव यहां पर हो सकती है। देखते हैं दोस्तों, मोटरोला भी एंटर कर रहा है कॉम्पिटिशन के अंदर, और इसके स्पेक्स देख के मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप देखते क्या प्राइस पर ये फोन आता है, कितना जल्दी आएगा, और इंडिया में कभी आएगा, मैं आपको जरूर से उसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों एसेंशियल PH1, इस फोन का तो नाम आपने सुना ही होगा, और ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन था जिसमें हमें नॉच देखने को मिली थी। हाउएवर आईफोन 10 को कंसिडर किया गया था कि वो वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें सामने नॉच थी, क्योंकि वो पहला फोन था जो कमर्शियली अवेलेबल हो गया था नॉच के साथ में। ये पहले आ गया था लेकिन कमर्शियली अवेलेबल नहीं हुआ था। अब दोस्तों एसेंशियल PH1 तो फ्लॉप हो गया था, लेकिन अब इसका
इसका एक नया स्मार्टफोन, इसका सक्सेसर जो आने वाला है, लेकिन इसका सक्सेसर हम नहीं बोल सकते, ये कंपनी का दूसरा स्मार्टफोन आप बोल सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे आपको एकदम टॉल एस्पेक्ट रेशियो वाला ये स्मार्टफोन दिख रहा है, जो शायद से पहले आपने ऐसा फोन कभी नहीं देखा होगा, जो बहुत ही टॉल है, पतला सा है और एकदम यूनिक फोन लग रहा है, जिसको उन्होंने कलर शिफ्ट जेम मटेरियल का भी नाम दिया। कुछ इस तरीके की पीछे आपको डिजाइन दिख रही है, मल्टी कलर है। उन्होंने एंडी रूबिन जो है एंड्रॉइड के जो को फाउंडर है वो इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो और पिक्चर्स ट्विटर पर जो वो शेयर किए इससे रिगार्डिंग, पीछे देखेंगे सर्कुलर कटआउट दिख रही है, सिंगल कैमरा है, सामने डिस्प्ले पर पंच होल है, मतलब उसमें आपको सेल्फी मिलेगी, और कुछ इस तरीके का आपको ये फोन दिख रहा है। बहुत ही यूनिक लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, और बताया जा रहा है कि ये एसेंशियल जेम के नाम से आ सकता है। अब कितना जल्दी आएगा ये नहीं पता, इसमें यूआई भी थोड़ा सा वो डिफरेंट रखेंगे और बहुत कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। पर क्या आपने ऐसा फोन देखा है जो इतना लंबा सा है, जो मैंने भी खुद पहली बार देखा हो, वैसे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस फोन के बारे में, वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी फाइनली यहां पर जो वो आ चुकी है, क्योंकि जब ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हुए थे उसके बाद मनु कुमार जैन ने हमें इंडिया में कहा था कि 8 वीक्स लेटर इसको हम इंडिया में लॉन्च करेंगे, और वो घड़ी यहां पर आ चुकी है। और 16 अक्टूबर को इंडिया में Xiaomi के Redmi Note 8 सीरीज वाले स्मार्टफोन जो लॉन्च होने वाले। फिलहाल के लिए उन्होंने कहा कि Redmi Note 8 Pro आएगा, जो कुछ इस पोस्टर में यहां पर उन्होंने दिखाया है, इन्फिनिटी सिंबल आपको दिख रहा है, लेकिन आप इसको अगर फ्लिप करते तो आपको ऑब्वियसली 8 जो वो दिखेगा। इसके अंदर उन्होंने काफी सारी चीजें पीछे बताई है कि गेमिंग है, कूलिंग है, ये है, वो है, तो ऑब्वियसली ये Redmi Note 8 Pro है जो वो यहां पर बताना चाह रहे हैं, जो हमें 16 अक्टूबर को इंडिया में देखने को मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन दोस्तों 14,000 की प्राइस पर ये चाइना में इसका बेस लॉन्च हुआ था 664। मुझे नहीं लगता कि 664 वो लोग इंडिया में 15,000 के आसपास लाएंगे, शायद एक 4GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइस दोस्तों 15,000 के नीचे होने वाली ऐसा मैंने सुना था। अगर वैसा होता है तो Redmi Note 8 Pro एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल फोन हो सकता है। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड है Redmi Note 8 Pro के लिए इंडिया में, आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Uber की तरफ से खबर आ रही है, और Uber दोस्तों इसके जो ड्राइवर्स हैं, हम अभी ये जो किस्सा निकल कर आया इसके वजह से हम सारे Uber के ड्राइवर्स को जो वो ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब हम बोलते ना एक मच्छी पूरे तालाब को क्या बोलते हैं, वो एक कहावत है जो गंदी कर देती है, ऐसे कुछ है। एनीवेज अभी यहां पर दोस्तों एक 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु में वो कैब लिए Uber के, और उनको एयरपोर्ट जाना था और उनका झगड़ा हो गया Uber के कैब वाले से। अब क्या हो गया दोस्तों कि उसने कैब वाले बोला कि भाई तुम थोड़े, मतलब वो पैसे कुछ ज्यादा मांग रहा था जबकि इतना पैसा होना नहीं चाहिए था, उनका डिस्टेंस में कुछ इतना पैसा आया था। अब ये बोल रहा है मैं इतना पैसा नहीं दूंगा, और इन्होंने कहा कि मैं आपकी ऐप में कंप्लेंट करूंगा कि आप मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। भाई वो कैब वाला चिढ़ गया, पीछे गया, लगेज वगैरह जिसकी उठा के फेंकने लगा, दरवाजा खोला और इसको भाई जो मुक्का मारा नाक पे, भैया की नाक फूट गई। जी हां, डस्टबरी निकली, सब कुछ निकल गया, लेकिन अब भाई ने कंप्लेंट किया और ऑब्वियसली Uber ने तो उस कैब वाले को सस्पेंड तो कर ही दिया, और उस पर कार्रवाई भी हुई कि भाई तूने असॉल्ट ऐसे कैसे कर दिया, और भैया की जो है वो फ्लाइट भी छूट गई। तो ये सिर्फ असॉल्ट वाला काम गया जो बहुत बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप कभी भी अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोना चाहिए, हमें मुंह से बात कर लो, हाथ उठाना मतलब आप बहुत बड़े फॉल्ट में आ जाते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो ये किया ये डिजर्व करता है कि इसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया, और सजा भी होनी चाहिए वैसे। तो ये चीज मुझे सुन के वैसे काफी बुरी लगी। तो ये दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है, और वैसे काफी बड़ी खबर आ रही है, और जितनी भी जो OEM से जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उन लोगों के लिए वैसे काफी ये डेंजर खबर जो हो सकती है, क्योंकि यहां पर गूगल ने उनके GMS गूगल मोबाइल सर्विस के तहत ऐसा बताया कि भाई जनवरी 31 2020 से उसके बाद से जो भी स्मार्टफोन्स ये जो कंपनीज लॉन्च करेगी वो एंड्रॉइड 10 के साथ में होना चाहिए। जी हां, नहीं तो हम उनके सॉफ्टवेयर बिल्ड्स को अप्रूव्ड नहीं करेंगे। अगर उससे नीचे का वर्जन होगा तो हम उसमें फिर GMS के तहत कुछ नहीं कर सकते, यानी कि गूगल मोबाइल जो सर्विसेज होती है, गूगल प्ले की जो सर्विसेज है, ये सारे जो एप्स प्री इंस्टॉल्ड जो होते हैं वो हम उसमें नहीं डलवाएंगे, ऐसा क्लियरली यहां पर गूगल ने बोल दिया। तो इससे जो है वो OEMs को फोर्स्ड कर रहा है कि भाई आप जो भी फ्यूचर में स्मार्टफोन्स लॉन्च करेंगे उनमें एंड्रॉइड 10 होना चाहिए 31 जनवरी 2020 के बाद से। तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसा करना चाहिए कि सारे कंपनीज पुराने वर्जन दे रही थी और फिर कल्टी मार देती है और नए वर्जन पर एकदम ध्यान नहीं देती। तो जो 31 जनवरी 2020 के बाद से जो कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगी उनमें एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, जो मुझे भी अच्छा लग रहा है सुन के कि अब गूगल ने इस पर प्रेशर डाला। वैसे आपको क्या ख्याल है इसके बारे में, कई चीज सही है गलत है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, और आज की सबसे बड़ी खबर यहां पर यही निकल कर आ रही है कि Realme X2 Pro जो इतने टाइम से खबरों में है, जो हमें पता है कि 15 अक्टूबर को यूरोप में लॉन्च होगा, उसके बाद हमें चाइना में भी देखने को मिलेगा, और हमें पता है इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस होगा, 50 वॉट वूक चार्जिंग, डुअल स्पीकर, क्वाड कैमरा, 64 मेगापिक्सल, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 90 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले वगैरह वगैरह।
जाएगा। अब ऑफिशियली ये कंफर्म्ड हो चुका है, जी हाँ, इंडिया में दोस्तों दिसंबर के महीने में हमें रियलमी एक्स टू प्रो जो वो देखने को मिलेगा। माधव शेठ ने एक ट्वीट करके सबको चौंका दिया और ये बोल दिया कि हम रियलमी एक्स टू प्रो को इंडिया में लेके आएंगे। मानते हैं कि थोड़ा लेट है, हमें पता है कि नवंबर में आ जाता तो और भी मजा आती, लेकिन कोई बात नहीं, ये दिसंबर में आ रहा है तो हम देख लेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूं दोस्तों, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, हमारे पास भी आएगा, अनबॉक्सिंग भी होगी और बहुत एग्रेसिव प्राइस पर होगा। ये भी तो आपको पता है कि रियलमी तो इसी चीज से जाना जाता है। वैसे क्या आप एक्साइटेड है इस फोन के लिए, रियलमी एक्स टू प्रो के लिए? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको बताया कि दोस्तों अगर आप एक सेकंड के लिए पॉज हो जाते हैं ऐसे और फिर उसके बाद वापस से अपना कुछ भी काम करना शुरू करते हैं, तो उस एक सेकंड में आपको बताया कि अमेजोन जो है वो 35 आइटम्स उस टाइम पर जो वो डिलीवर कर देता है। जी हाँ, आज की टेक न्यूज पे खत्म होती, उम्मीद करता आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ये सबसे बुरी चीज मुझे लगती है कि मेरा जो आउटर ना बहुत लंबा है, जरूरत से ज्यादा लंबा है। मैं सोच रहा हूँ तो देखो ये गड़बड़ी भी दोस्तों हो जाती है। जेम कलर शिफ्ट मतलब थोड़ा लाइट बंद कर दिया, अगर तो लग रहा है तो लेट हो रहा है क्योंकि उसकी बैटरी उतर जाएगी।